हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तमन्ना और स्वागत है आपका हमारे चैनल अ पिंच ऑफ टेस्ट में। फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर गुड। टुडे आई एम गोइंग टू मेक छोले मसाला। छोले मसाला इज अ पॉपुलर पंजाबी डिश वेयर चिकपीस आर सिमर इन अ स्पाइसी एंड टैंगी ग्रेवी। पंजाबी छोले सर्व विथ भटूरा इज अ फेवरेट अमंग मेनी इंडियंस एंड इज अ वेरी पॉपुलर मील इन ढाबास एंड नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट। और जो छोले भटूरे का कॉम्बिनेशन होता है एंड छोले चावल का, वो बहुत ही डिलीशियस होता है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट हाउ टू मेक इट। छोले बनाने के लिए मैंने लिए हैं वाइट चिकपीस, तो इसे मैंने अप्रॉक्स 250 ग्राम लिया है और इसे मैं सोक करने के लिए 5 to 6 आवर के लिए छोड़ दूंगी। तो पानी हमने इसमें ज़्यादा ऐड करना है क्योंकि चने फूल के ज़्यादा अमाउंट में हो जाते हैं, तो पानी आप जितना डालें उसके थोड़ा ज़्यादा डालें, मतलब जितने आपके चने हैं उससे अप्रॉक्स 2 इंच 3 इंच ज़्यादा पानी डालें ताकि वो अच्छे से सोक हो सके। 5 to 6 आवर हो चुके हैं, तो छोले बनाने के लिए मैंने एक कुकर में मस्टर्ड ऑयल लिया है और जो ऑयल हीट हो जाने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है बे लीफ और मैं थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ क्यूमिन सीड्स। जब ये क्रैकल होने लगेगा तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक ऑनियन टमाटो और ग्रीन चिली का पेस्ट, क्योंकि मैं ग्रीन चिली ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसे अब मैं इसी ऑयल में डाल दूंगी और अच्छे से फ्राई करूंगी। इसे मैं इसे डालने के बाद मैं थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर दूंगी ताकि ये अच्छे से भुन जाए और मसाले हमारे पक जाएं। हमें इसे तब तक भुनना है जब तक इसे ऑयल रिलीज होना स्टार्ट ना हो जाए। ये देखिए, हमारे मसालों ने ऑयल रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 4 to 5 मिनट तक फ्राई किया है। तो अब मैं इसमें मैं सॉल्ट ऐड किया है, तो आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट और क्वांटिटी सॉल्ट ऐड करें। अब मैं ऐड किया है टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर, छोले मसाले जो चाट मसाला मिलता है आप उसे भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा ड्राई मैंगो पाउडर एंड गरम मसाला पाउडर। ये सभी ड्राई मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। अभी अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी वाइट चिक पीस। थोड़ा सा मैंने वाटर डाला है ताकि जो हमने पाउडर मसाले डाले हैं वो जले नहीं। तो ये मैंने वाइट चिक पीस को ऐड कर दिया है। अब इसे मैं अच्छे से 1 से 2 मिनट तक भूनूंगी साथ में। 1-2 मिनट के बाद सभी चीज़ों को अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं इसमें अकॉर्डिंग टू आपको जैसी कंसिस्टेंसी रखनी है वैसे वाटर ऐड करके 3 to 4 विसिल तक पकाएं और आपका रेडी है टेस्टी छोले, बहुत ही क्विक एंड इजी। सो एंजॉय इट। Thank you for watching, like, share and subscribe.